सो हेलो एवरीवन, और हम आ चुके हैं हमारे फिफ्थ वीडियो में। इंट्रोडक्शन वीडियो को छोड़कर ये शायद फिफ्थ वीडियो होगा। सो अगर इंट्रोडक्शन को इंक्लूड करो तो सिक्स्थ होगा शायद, कुछ भी होगा। चलो हम अपना जो डेवलपमेंट का काम है वो आगे बढ़ाते हैं। तो हम लास्ट वीडियो में यहाँ तक किए थे, ये पार्ट कंप्लीट हुआ था। अब हम एक क्राउजर बनाएंगे। इसके लिए पहले हम एक सेक्शन बना लेते हैं और सेक्शन का क्लास दे देते हैं और सेक्शन के अंदर हम अपना क्राउजल ऐड करेंगे। तो इसी के लिए चलो ओपन कर लेते हैं बूटस्ट्रैप, और क्राउजल का ही मैंने एक बुकमार्क लगाया था। तो हम आ चुके हैं एकदम फर्स्ट पेज पर, मतलब तो वही पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला क्राउजल जो है इसका कोड करेंगे कॉपी, इसके अंदर कर देंगे पेस्ट, रन करते हैं। और ये नहीं आया अभी। सो हम क्या करेंगे, इमेज कुछ ऐड करेंगे। सो हम कुछ इमेजेस ओपन कर लेते हैं, कॉपी इमेज लिंक करते हैं और एक एक इमेज के अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एक लगा देते हैं और एक देखते हैं ये वाला, इसका भी कॉपी इमेज लिंक करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। अब रन करते हैं। चलो वैसे तो आ रहा है, लेकिन हम एक यहाँ पर और काम करेंगे। ये जो जितने भी इमेजेस हैं, ये वाला या ये वाला, इनके सामने हम एक डिव लगाएंगे और इस डिव का हम क्लास दे देंगे क्राउजल इमेज करके, और एंड में एक स्लैश डिव भी लगा लेंगे। हम ये पूरा चीज़ करेंगे कॉपी, कर लेते हैं कॉपी, नीचे चलते हैं और इस इमेज के सामने भी लगा देते हैं, और नीचे चलते हैं और इस इमेज के सामने भी लगा देते हैं। अब ये डिव को करते हैं कॉपी, इमेज के एंड पर पेस्ट। और दूसरा कहाँ गया, ये वाले इमेज के अंत में भी कर देंगे पेस्ट। अब रन करते हैं। चलो बढ़िया दिख तो रहा है, लेकिन हमें इसका हाइट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम एक काम करेंगे, क्राउजल इमेज जो भी है इसको करेंगे कॉपी, नीचे आएंगे यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल, क्राउजल इमेज पर हम करेंगे हाइट ऑफ 30 rem, विड्थ 100% और ओवरफ्लो को कर देंगे हिडन। अब रन करके देखते हैं एक बार। चलो बढ़िया आ रहा है। अच्छा एक चीज़ शायद मिस हो गया है, एक चीज़ जो मिस हो गया है वो है ये वाला पोर्शन। तो हम ये वाला पोर्शन हटा देंगे क्योंकि हमें वैसे भी कुछ कोई ज़रूरत वैसा नहीं है, या इसको भी ऑटो कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। रन करते हैं। चलो बढ़िया। सो हम अब यहाँ पर ये 30 rem है, तो इसका डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि हमने तो क्राउजल ये वाला सेलेक्ट किया था, यहाँ पर कुछ वर्ड्स थे, यहाँ पर कुछ बार्स थे, तो यहाँ पर वो बार्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर आप इसको नॉर्मल पोजीशन पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये सब है। क्योंकि ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप, ये रेस्पॉन्सिव चीज़ें बनाता है। तो जैसे ही ये जो विंडो है वो छोटा होता रहेगा, तो ये वाला जो नीचे का पोर्शन है वो चला जाएगा। ठीक है, सो विद दैट सेड हम अपना कोडिंग कंटिन्यू रखते हैं। वैसे ही खोल लेते हैं, वैसे भी अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ हम और करेंगे,
यहाँ पर ये जो भी लिखा हुआ है ये हम कुछ चेंज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पर हम लॉरम इप्सम डमी वर्ड्स खोल लेंगे, और इसको फर्स्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर हम सेकंड सर्टिफिकेट लगा लेते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना सर्टिफिकेट दे देना, यहाँ पर हम थर्ड सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और लॉरम इप्सम की जगह हम कुछ डमी टेक्स्ट उठा रहे हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट, इधर कर देते हैं पेस्ट, और इधर भी कर देते हैं पेस्ट, सेव करते हैं, अरे सेव नहीं सॉरी, रन करते हैं और देख लेते हैं। चलो बढ़िया काम कर रहा है, लिंक लोड होने में जो टाइम लग रहा है थोड़ा सा, चलो बढ़िया ठीक है। अच्छा एक और चीज़ शायद मैंने बताया नहीं, ये गलती से कर दिया मैंने, तो मैं काम करता हूँ इसको वैसे रन करता हूँ और दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम हमारा जो सेक्शन है उसका जो हमने क्लास नेम दिया था, ये क्लाउजल वर्क वन, इसको कर लेते हैं कॉपी, नीचे चलते हैं और इधर पेस्ट करके हम लिखते हैं कि कर लो अपना विड्थ जो है वो 95% और मार्जिन 0 RM ऑटो। चलो रन करते हैं, बढ़िया अब ये चीज़ भी हो गया है। सो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो फुटर है वो बनाएंगे और ये जो आइकन्स है इनको फंक्शनल बनाएंगे, और उसके आने वाले वीडियो में शायद अगर वो ख़त्म हो जाए, मतलब नेक्स्ट वाला जो वीडियो का काम है वो अगर जल्दी एक वीडियो में ख़त्म हो जाए, तो नेक्स्ट वीडियो उसके अगले वाले वीडियो में हम इसको होस्ट करेंगे फ्री में। वैसे ये रिकमेंडेड तो नहीं है लेकिन हम यार स्टूडेंट लोग हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ रहता है, तो हम इसको फ्री में ही होस्ट करेंगे, कुछ मुफ्त का चल जाए तो हम लोगों का अच्छा ही होता है। सो ठीक है, विद दैट सेट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के अंदर ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि उनके लिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ, वो लोग भी अपना एक पर्सनल वेबसाइट बना पाए। सो विद दैट सेट चलते हैं, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।